ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने के बाद लोगों की चिंता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ऋषि कपूर भले ही इस बात से लोगों को वाकिफ करा चुके हों कि बहुत ज्यादा उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी थी, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड होना कोई आम बात नहीं। और जब सेहत बिगड़ी तो ऋषि ने फौरन हॉस्पिटल में 2 दिन तक इलाज कराया, और राजधानी दिल्ली में जब इन्फेक्शन की वजह से परेशान ऋषि की तबीयत में सुधार आई तो उसके बाद उन्हें वापस आते देखा गया। लेकिन अफसोस, संगीत सेरेमनी और मेहंदी सेरेमनी में अपने भांजे अरमान जैन को शादी की बधाइयां देने के लिए जब नहीं शरीक हुए ऋषि, तो लोग इंतजार करते रहे कि शादी सेरेमनी यानी कि वेडिंग डे बारातियों के बीच ऋषि जरूर शामिल होंगे। ये भी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। और तो और अफसोस की बात तो ये है कि रीमा जैन के अपने सगे भाई ऋषि कपूर उनके बेटे की शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में भी नहीं पहुंचे। जी हाँ, ऋषि कपूर की बिगड़ी हुई तबीयत से अमिताभ बच्चन भी हो गए परेशान, जिसके बाद ब्लॉग में उनकी इलनेस की जानकारी देते हुए अमिताभ ने अपनी तकलीफ बयां की। वो भी अपनी समधन को खोने के बाद इस दर्द से नहीं निकले कि एक और दर्द उन्हें मिला है। तो कैसे बच्चन परिवार के लिए भी ये समय बुरा माना जा रहा है, क्योंकि ऋषि उनके दिल के बहुत करीब है। देखिए रिपोर्ट। दर्शकों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड टाउन के सेलिब्रिटीज के बीच जब होती है किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज की चर्चा, तो हमेशा कहा जाता है कि उनके बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करने वक्त काफ़ी ज़्यादा कुछ जान लेना ज़रूरी होता है। हाल ही में ऋषि कपूर ने अपने सेहत से जुड़ी अफवाहों का खंडन करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ इन्फेक्शन हुआ था, जिसके कारण उन्होंने राजधानी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। और दिल्ली में उनका जब इलाज चल रहा था तो उनसे मिलने उनकी पत्नी नीतू कपूर, उनके बेटे रणबीर कपूर और उनकी होने वाली बहू यानी कि रणबीर की गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट भी पहुंची थी। ऐसे में रणबीर, नीतू और साथ में यहाँ आलिया, जो कि ऋषि कपूर को देखने पहुंचे थे हॉस्पिटल, उनके बारे में आपको बता दें, अभी 1 महीना नहीं गुजरा है, ऋषि कपूर की अपनी बहना यानी कि हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे रितु नंदा के बारे में, जिनके निधन पर बहुत दुखी नजर आए थे ऋषि कपूर, जिनके बारे में ऋषि कपूर बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बात करते नज़र आए थे। और उस वक्त जब वो शामिल हुए थे उनके प्रेयर मीट पर, तब ये भी देखने को मिला था कि ऋषि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ऋषि कपूर जब वहाँ पर शामिल हुए इस दुखद घड़ी में, अमिताभ, जया और तो और ऐश्वर्या, अभिषेक सबको देखा गया था प्रेयर मीट पर। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चन परिवार, नंदा परिवार, कपूर परिवार की, तो सभी बहुत दुखी है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि रितु नंदा के गुजरे हुए भी 1 महीना नहीं हुआ, और घर पर जो दूसरी सेलिब्रेशन थी, दुख घड़ी से निकलकर लोगों ने शादी की तारीख को जो पक्की रखी थी, यानी कि रितु नंदा की बहन रीमा जैन की हम बात करेंगे, रीमा जैन के पहुंचने की बात करेंगे, जो कि अपने बेटे की शादी अभी करते नज़र आई थी, उन्हें लेकर खबरें थी, क्योंकि रीमा जैन के बेटे की शादी में भी नहीं पहुंच पाए थे ऋषि कपूर, जिसके कारण ऋषि कपूर को लेकर तमाम खबरें आई थी। ऐसे में ऋषि कपूर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, ये खबर सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। तो आपको बता दें, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं ऋषि कपूर की, और वो तस्वीरें जो हैं सो हॉस्पिटल की मानी जा रही। इससे पहले कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए ऋषि कपूर को पूरे के पूरे 1 साल के आसपास रहना पड़ा था न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, जिसके बाद वो 1 साल बाद वापस घर लौटे थे, और ऋषि कपूर की पत्नी नीतू उनके साथ पूरे 1 साल के लिए बाहर थी, और 1 साल बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है और उन्हें लेकर खबरें आ रही है कि हॉस्पिटल में ऋषि कपूर अब दोबारा एडमिट हो गए हैं। जी हाँ, ऋषि कपूर को लेकर खबर ये आई है कि राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल के बाद अब उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया है, और मुंबई के एक हॉस्पिटल में ऋषि कपूर अपना इलाज करा रहे हैं, जहाँ वायरल फीवर को लेकर खबर है। परिवार वालों ने तो यही कहा है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं, वायरल फीवर है, लेकिन पहले इन्फेक्शन और फिर वायरल फीवर, लोगों की चिंता बढ़ गई है ऋषि कपूर को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपूर परिवार की तरफ से इसकी जानकारी मिली है कि 18 दिन तक राजधानी दिल्ली में रहने के बाद रणबीर कपूर के पिता
ऋषि कपूर को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ झेलनी पड़ी और इन्फेक्शन के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और इसी वजह से चिंता अमिताभ बच्चन की बढ़ गई है। अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक व्लॉग में इस बात का दुख जाहिर किया था कि कितने ज़्यादा वो परेशान हैं क्योंकि परिवार में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। पहले तो उन्होंने अपनी सबसे प्यारी समधन रितु नंदा को खो दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की चिंता ऋषि कपूर को लेकर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऋषि कपूर बीमार हैं। इसी कारण से उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बारे में जिक्र भी किया। ऋषि कपूर के साथ जिन्होंने बीते साल 102 नॉट आउट फिल्म में उनके पिता का किरदार निभाया, ऐसे में अपने ऑन स्क्रीन बेटे और अपने बहुत ही पुराने मित्र ऋषि कपूर के हॉस्पिटलाइज्ड होने पर अमिताभ बहुत भावुक हैं और बच्चन परिवार बहुत दुखी हैं। बता दें हम आपको, ऋषि कपूर के साथ जो रिश्ता है अमिताभ बच्चन का वो बहुत पुराना है और इस रिश्ते की वजह से ही वो ऋषि की तबीयत बिगड़ने पर बहुत चिंतित हैं। मुंबई के हॉस्पिटल में ऋषि कपूर की अचानक बिगड़ने वाली तबीयत से चिंता में परिवार हो गया है। यही कारण है कि ऋषि कपूर को छोड़कर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और साथ में नीतू कपूर वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए थे अरमान जैन और अनिसा मल्होत्रा के, और ऋषि को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं थे कि हॉस्पिटल छोड़कर अपना इलाज रोककर वो वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हो चुके। शादी के किसी भी रस्म रिवाज के दौरान ऋषि कपूर मौजूद नहीं रहे, बल्कि पिछले साल अगर देखा जाए तो इंगेजमेंट सेरेमनी थी जब अनिसा मल्होत्रा और अरमान जैन की, तब ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर के साथ शामिल हुए थे उस पार्टी में, और इस बार शादी के एक भी मौके पर ऋषि कपूर नहीं पहुंच सके, ना तो मेहंदी, ना तो म्यूजिक सेरेमनी और ना ही तो शादी, ना ही बारात और ना ही रिसेप्शन पार्टी, जिसके कारण ऋषि की तबीयत अब भी नहीं सुधर पाई है ये लोग कह रहे हैं। हालांकि ऋषि कपूर की हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं रखा गया। राजधानी दिल्ली में उन्हें 2 दिन तक रखा गया था हॉस्पिटल में, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया जब सेहत में सुधार आया, और फिर वापस मुंबई लौटने के बाद उन्हें दोबारा मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है क्योंकि वायरल फीवर की वजह से उन्हें एडमिट किया गया है। ये सोचकर लोग चिंतित है क्योंकि सिर्फ आम फीवर के कारण हॉस्पिटलाइज तो नहीं होंगे ऋषि। खैर, लोग फिलहाल परेशान हैं और इस बात की दुआ कर रहे हैं कि ऋषि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर ट्विटर पर इस बात की जानकारी दे। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी मिली कि वो घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सेहत में सुधार नहीं है। इसी के साथ ये मिली कि ऋषि कपूर के बीमार होने के बाद उनके बेटे रणबीर कपूर अपनी मां नीतू कपूर के साथ हॉस्पिटल आना जाना लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर का इलाज करने वाले डॉक्टर का ये कहना है कि पहले से ऋषि कपूर की सेहत में काफ़ी सुधार है, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। खैर, रितु नंदा के गुजरने के बाद ऋषि थोड़े से सदमे में थे क्योंकि उनकी अपनी सगी बहन थी रितु, जो कि उनसे बहुत प्यार करती थी। ऐसे में अपने दिल के बहुत करीबी को खो देने के बाद ऋषि इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं, जिसके कारण अभी अंदर से वो टूटे हुए भी हैं। खैर, ऋषि कपूर ने अपनी बीमारी पर खुद जानकारी दी कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह से जो उनकी सेहत में तकलीफ उन्हें झेलनी पड़ी है सेहत बिगड़ने के बाद, इसकी ट्रीटमेंट तो अभी भी चल रही है, लेकिन लोगों को ज़्यादा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। बता दें, ऋषि कपूर की सेहत बिगड़ने पर ना सिर्फ रणबीर बल्कि आलिया भट्ट भी बहुत चिंतित है। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये थी कि कैंसर का इलाज लंदन में कराने के बावजूद ऋषि कपूर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और अपने बहुत दिल के करीब अपने ही भांजे अरमान जैन की शादी में वो एक पल के लिए भी शरीक नहीं हो पाए। सुना आपने इस रिपोर्ट में कैसे ऋषि कपूर को लेकर कपूर फैमिली की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है। साथ ही साथ में ये भी जानकारी मिली है कि ऋषि कपूर असल में मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट वायरल फीवर की वजह से हुए और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत बीते काफ़ी समय से नसार चल रही है। बीते साल ही वो वापस लंदन से कैंसर का इलाज कराकर लौटे थे। साल 2018 में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो साल 2019 में वो वापस लौटे, पूरा एक साल लंदन में गुजारने के बाद।
जिसके बाद वो काफी समय से स्वस्थ थे, लेकिन इस साल की नई शुरुआत और 14 तारीख को उनकी बहन ऋतु नंदा के निधन के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और एक महीना नहीं गुजरा कि ऋषि की तबीयत इतनी ज्यादा नाजुक हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में दिल्ली के बाद मुंबई में भी एडमिट किया गया है। राजधानी के बाद यहाँ मुंबई फिल्म सिटी में भी लाया गया और वहाँ भी उनका इलाज लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से नीतू कपूर और रणबीर कपूर पहुंचे तो जरूर अरमान जैन के रिसेप्शन पार्टी में, लेकिन ऋषि उनके साथ नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी हालत इतनी सही नहीं थी कि वो किसी भी पार्टी में पहुंच सके। खैर, उम्मीद करते हैं बहुत से जल्द, बहुत से ज्यादा जल्दी वो वापस लौटेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के ट्विटर अकाउंट के जरिए वेटरन एक्टर ऋषि कपूर इसकी जानकारी जरूर देंगे कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेंगे आपसे इजाजत, बॉलीवुड की हर खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।